सर जी, मुझे मोनोपोज के बाद, मेरी एज 53 है और मुझे मोनोपोज के बाद डिप्रेशन आ गया है, तो हाँ इसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? देखो, आपको तो इस वक्त में जो आपको देख के लग रहा, तो पित्त वात इश्यू है आपका, डिप्रेशन जो आया हुआ है ना आपको, जी ये आपका शरीर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, आपके लिवर पे थोड़ा असर है ना, जिसकी वजह से ये जी इश्यू है, कंफर्टेबल नहीं है शरीर अंदर से। दूसरी बात, कोई भी हम डिप्रेशन जैसी बात कहते हैं, तो अगर आपका शरीर ठीक नहीं है किसी तरीके से, तो क्या आपका मन ठीक होगा, माइंड ठीक होगा? आपका माइंड ठीक नहीं हो, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, आपका शरीर और माइंड ये जुड़े हुए हैं, एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ऐसे। तो शरीर लोगों का ठीक नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि लोगों का माइंड बिल्कुल हेल्दी होगा? ऐसा नहीं है, अभी सभी के माइंड पे असर है, अलग अलग लेवल पे डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी चीजें, खुश रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई अपने आप, आज आप आजकल आप किसी को खिलखिला के हंसते हुए देखते हैं क्या अपने आसपास? सबके चेहरे ऐसे कद्दू की तरह लटके हुए हैं ना, सबको मेंटल प्रॉब्लम है, अलग अलग लेवल पे है, ठीक है ना? तो कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता, कोई जानता है, कोई नहीं जानता। आपका शरीर खराब है तो आपका माइंड खराब है, आपको मानना ही पड़ेगा। अच्छा, मेंटल इश्यू को ट्रीट करने के लिए एलोपैथी के पास में कोई दवाई है क्या? ऐसा शायद आपको लगता है, मगर एक भी दवाई आपके मेंटल इश्यू को ठीक नहीं करती, कोई दवाई नहीं है। कोई भी मेंटल इश्यू को ठीक करने की दवाई आपके मेंटल इश्यू को ठीक नहीं करती। तो कहने का मतलब क्या, पहली चीज, कुंभक सबसे पहले आपके माइंड पे असर करता है। किसी भी मेंटल इश्यू को 100% ठीक करना है तो कुंभक उसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इलाज है, 100% बोल रहा हूं, 1% भी कम नहीं, 100%। तो ऐसे लोग हैं जो हमारे पास में आते हैं कि बहुत डिप्रेशन में है, स्किजोफ्रेनिया है, बाइपोलैरिटी है, डिप्रेशन है, हाँ, नींद नहीं आती। तो ऐसे लोग जब कुंभक करना शुरू करते हैं, फिर हम पूछते हैं आप कैसे सोते हैं, नींद आ रही है? कहते हैं घोड़े बेच के सो रहे हैं, हमारी जो डिप्रेशन की दवाई हमने छोड़ दी है, जो हम ये दवाइयां नींद की लेते थे वो हमने छोड़ दी हैं। पहली बार ऐसा लगता है जैसे बचपन में कभी हम सोते थे वैसे सोए, इतना अच्छा लगा, ना उम्मीद हो गए थे लोग। सोचिए, 10-10 साल से नींद अच्छी नहीं आ रही है, 15-15 साल हो गए, ऐसे सोचते थे कि अब जिंदगी भर हम सो नहीं पाएंगे कभी ठीक से, कभी वो खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर से खुशी छलक छलक के बोल रही है, और वो टेस्टिमोनियल देते हैं हमको। तो अगर मेंटल इश्यूज ठीक करने हैं, सबसे पहले कुंभक मेंटल इश्यूज पे ही काम करता है, आपके एनर्जी स्ट्रक्चर पे ही काम करता है, आपके माइंड स्ट्रक्चर पे काम करता है, आपके कार्मिक स्ट्रक्चर पे काम करता है, और उसी का असर आप अपने आपके शरीर पे फिर दिखता है। और शरीर पे काम करने के लिए हम इसको मोल्ड करते ही हैं, हम एक तरीके से इसको डिजाइन हमने किया भी हुआ। तो डिप्रेशन विप्रेशन छोड़िए, अपनी लाइफ जीना दोबारा से शुरू कीजिए, मेनोपॉज के बाद में तो आपकी लाइफ और सुंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि वो झंझट ही खत्म हो गया, अब लाइफ जीना शुरू कीजिए, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए ये टूल है, इसी से लाइफ जिया जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना? दूसरे के दिमाग से लाइफ नहीं जी सकते, दूसरे के शरीर से नहीं जी सकते, इससे जी सकते हैं। इसको ठीक करेंगे, आपकी लाइफ सुंदर हो जाएगी। लेकिन एक और बात बताऊं, हमेशा हमेशा जीने की कोशिश ना करें, मृत्यु बहुत सुंदर होती है, नींद बड़ी सुंदर होती है, दिन भर काम करें थक जाएं, एक ही चीज चाहिए ना, ईश्वर भी आ जाए तो क्या बोलेंगे, अरे मुझे आराम मिल जाए, यही बोलेंगे ना।
और नींद आपको अच्छी आ जाती है, कितना सुंदर लगता। नींद में आप कहाँ होते हैं, आपके नाम भी पता नहीं होता, आप कौन है पता नहीं आपको। नींद छोटी मृत्यु है जो कि सबसे सुंदर है, आपके दिन से ज्यादा रात सुंदर होती है, सूर्य से ज्यादा चंद्रमा सुंदर होता है। तो मृत्यु एक बड़ी नींद है, वो तो और भी सुंदर है। इसीलिए भारत में हम, इसीलिए भारतीय सभ्यता में हम मृत्यु को और भी ऊपर रखते हैं। आप जहां जाएं, पहले तो एक ही टेंपल होते थे, शिवा टेंपल, मृत्यु के देवता हैं, ठीक है ना। वो अमृत है, जिंदगी को विष कहा गया और मृत्यु को अमृत कहा गया, मोक्ष को अमृत कहा, क्योंकि किसी को पकड़ो कितनी देर पकड़ पाओगे, बहुत तकलीफ होती है, जोर लगता है, फिर छोड़ने की इच्छा होती है, छोड़ना बड़ा सुंदर होता है, मुक्ति बड़ी सुंदर होती है, मोक्ष बड़ा सुंदर होता है, मृत्यु बहुत सुंदर होती है। लेकिन जिंदगी सुंदर हुई तब मृत्यु सुंदर है, जिंदगी खराब तो चाहिए नहीं मृत्यु किसी को भी, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते जिंदगी से तो मृत्यु नहीं चाहिए। अगर जिंदगी से, जिंदगी पूरी हो जाए आपकी, सेटिस्फेक्शन आ जाए, तब आपको किसी से डर नहीं है, तब जो मिलेगा आप स्वीकार करेंगे। तो सुंदर जीवन जीना है, उसके लिए ये टूल है, इसको सुंदर बनाइए। मोक्ष भी बिना जीवन के नहीं मिलता, तो इसको सुंदर बनाइए, खूब अच्छे से जिए, तृप्त हो, संतुष्ट हो, और फिर देखिए तब आपका जीवन सफल होगा।